टीम इंडिया हार रही थी, फिर भी कोच राहुल द्रविड़ ने दिखाई दरिया दिली, किया बड़ा दिल जीतने वाला काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर टीम इंडिया हार रही थी, फिर भी कोच राहुल द्रविड़ ने ऐसा कौन सा दरिया दिली वाला दिल जीतने वाला बड़ा नेक काम किया है। तो दोस्तों बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी राहुल द्रविड़ को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कोच मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों राहुल द्रविड़ महान खिलाड़ी और शानदार कोच तो है ही, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वो काफी विनम्र इंसान हैं। यह बात भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में हुए तीसरे वनडे के दौरान नजर आई। दरअसल मैच को बारिश के कारण रोकना पड़ा था, इसी दौरान राहुल द्रविड़ श्रीलंकाई कप्तान दसुन सनाका को टिप्स देते हुए दिखे। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ और सनाका के बीच मैदान पर हुई बातचीत की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस को राहुल द्रविड़ की यह दरिया दिली और विनम्रता भाग गई। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें श्रीलंकाई कप्तान के लिए तो बारिश बड़ा मौका बनकर आई और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। दोनों के बीच खेल की बारीकियों को लेकर काफी बात देर तक हुई। बारिश के कारण तीसरे वनडे में ओवर की कटौती की गई और मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया। भारतीय टीम 225 रन बनाकर ऑल आउट हुई और श्रीलंका को 227 रन डीएलएस के नियम के तहत लक्ष्य मिला। श्रीलंका ने जीत के मिले 227 रन के लक्ष्य को 39 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। हालांकि दोस्तों तीसरे वनडे में जरूर टीम से कुछ गलतियां हुई जिसका खामियाजा उसे हार के रूप में उठाना पड़ा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।